हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं खुशबू चतुर्वेदी, आपकी जीएस के एजुकेटर, आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने छोटा सा ही लेक्चर बनाया था एंड उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एलॉयज के बारे में, यानी कि मिश्र धातुओं के बारे में। एंड वो इंपॉर्टेंट था, उसको कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा, याद जरूर करिएगा उसको। एंड आज का टॉपिक जो आपका है वो बेसिकली है आपकी नॉन मेटल्स के ऊपर। तो बहुत सारी नॉन मेटल्स होती हैं एंड उन बहुत सारी नॉन मेटल्स में से जो आपकी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स होती हैं उनको मैं आज डिस्कस करूंगी। लेकिन उन नॉन मेटल्स को डिस्कस करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आपकी आज की। देखिए, नॉर्मली अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूंगी, धातुओं की बात करूंगी, तो मैंने स्टार्टिंग का जब चैप्टर बताया था, मैंने आपको जो एलिमेंट्स बताए थे, तो मैंने मेटल्स में नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएशन करके बताया था कि क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या अंतर होता है आपकी एक धातु में और एक अधातु में। तो उन अधातुओं को भी आपने क्या किया था, आपने बस उनके फीचर्स पढ़े थे। अब क्या है, हर एक पर्टिकुलर अधातु का अपना एक अलग लक्षण होता है, उसके अलग एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसका अलग यूज होता है। तो उन सारी चीजों में से आप लोग क्या करोगे, उनको डिस्कस करोगे। तो आपकी आज की जो पहली है, जो बोलेंगे बेसिकली आपकी जो नॉन मेटल है, उसको मैंने नाइट्रोजन लिया हुआ है। अगर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे नाइट्रोजन का, तो इसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक, आपको ये याद रखना है। देन अगर मैं बात करूंगी कि प्रकृति की, हम सभी को पता है कि गैस का कंपोजिशन एटमॉस्फेयर में कैसा है, 78% समथिंग आपकी नाइट्रोजन है, 20.846% आपकी ऑक्सीजन है। तो उनमें नाइट्रोजन ज्यादा है, उसका एक रीजन है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस होती हैं उनकी क्रियाशीलता को, उनकी रिएक्टिविटी को वो क्या करती है, रिड्यूस करती है। अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो बेसिकली उनकी जो बोलेंगे रिएक्टिविटी थी वो क्या होती, इंक्रीज होती एंड बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाते। खैर, अगर बात करूंगी कि ये अगर नाइट्रोजन पाई जाती है, तो अगर आप लोग देखोगे फ्री स्टेट में तो पाई ही जाती है, लेकिन अगर हम इसको कंपोजिट स्टेट में देखेंगे, यानी कि संयुक्त अवस्था में देखेंगे कि नाइट्रोजन कैसे पाई जाती है, तो आप बोलोगे कि ये शोरा में पाई जाती है। अब शोरा में कंफ्यूज मत होइएगा, KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को आप लोग क्या बोलते हो, शोरा बोलते हो। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, शोरा मतलब पोटेशियम नाइट्रेट। देन पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, अमोनिया के फॉर्म में यानी कि NH3 के फॉर्म में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, अमोनियम क्लोराइड की NH4Cl के फॉर्म में क्या होती है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसके साथ साथ में अगर आप लोग ऑर्गेनिक चीजों की बात करेंगे, ये तो हो गया इनऑर्गेनिक सेक्टर, अगर ऑर्गेनिक चीजों की बात करेंगे, अगर आप देखोगे कि जंतु होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, उनमें अगर हम लोग प्रोटीन को बेसिकली देखेंगे, तो प्रोटीन में भी ये आपकी क्या होती है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है नाइट्रोजन। देन ये तो हो गई उसकी बेसिक स्ट्रक्चर की क्या क्या चीजें होती हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देन अगर मैं बात करूंगी कि देखने में कैसी होती है, तो देखोगे आप लोगों को पता चलेगा कि ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है, इसके साथ साथ ये ट्रांसपेरेंट भी होती है नाइट्रोजन गैस। तो आपकी पारदर्शक, गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन आपकी गैस होती है नाइट्रोजन, पहली चीज। दूसरी चीज, वायु से ये हल्की होती है और जल में घुल जाती है, तो आपको याद रखना है कि वायु से हल्की होगी और जल में घुलनशील होगी। तीसरी चीज क्या है कि अगर टेम्परेचर आपका मैक्सिमम हो, या बोलेंगे टेम्परेचर आपका मिनिमम हो, न्यूनतम तापमान हो, एंड जो आपका प्रेशर है, जो दाब है आपका, वो ज्यादा है, तो आप लोग बोलोगे उसमें ये क्या होती है, घुलनशील अवस्था में होती है, या बोलोगे आप लोग द्रवित अवस्था में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है नाइट्रोजन गैस, अगर टेम्परेचर कम है एंड प्रेशर कैसा है, ज्यादा है। साथ ही साथ में ये उदासीन होती है, क्योंकि नॉर्मली रिएक्ट नहीं करती है, कंबशन भी इसका नहीं होता, और ना ही कंबशन में हेल्पफुल होती है, दहन में ना ही खुद दहन इसका होता है, ना ही दहन में सहायक होती है, तो आप बोलोगे ये न्यूट्रल गैस होती है। देन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कि पूछा क्या जाएगा, तो आपको याद रखना है इसके कुछ यूजेस, कि जो नाइट्रोजन गैस होती है, पहले ही आप पढ़ चुके हो कि वायु में ये सक्रियता क्या करती है, कम करती है। दूसरी चीज, अमोनिया के नाइट्रिक एसिड के, या बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल के और नाइट्राइड के निर्माण में भी इसका क्या करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर हमें बनानी हो मेडिसिन, अगर हमें बनाने हो फर्टिलाइजर्स, अगर हमें बनाने हो एक्सप्लोजिव्स, अमोनियम क्लोराइड बेसिकली आपका क्या, एक फर्टिलाइजर ही है, तो अमोनियम बोलोगे आप फर्टिलाइजर्स बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, इसके साथ साथ में अमोनिया निर्माण में भी आप नाइट्रोजन का प्रयोग करते हो। फिर आप बोलोगे क्या कि इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं उसमें भी हम लोग यूज करते हैं, साथ ही साथ में ऑपरेशन के दौरान भी हम नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ में डाल देते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑक्सीजन की कम कर देती है। साथ ही साथ में वायुयान में अगर आप लोग कभी बैठे हो या कभी भी आप सफर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं, उनके जो टायर होते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपसे एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेडली पूछी जा सकती है नाइट्रोजन से रिगार्ड में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं आती हूं दूसरी नॉन मेटल के साथ में, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। नोट्स जरूर मेंटेन करिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट। अगर बात करेंगे हम लोग किसकी, आपके नेक्स्ट नॉन मेटल की, यानी कि सल्फर की, तो सल्फर का आपका जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है, ये 16 होता है, इसको याद रखिएगा, जरूरी चीज है। देन अगर आप बोलोगे कि प्रकृति में किस तरीके से पाई जाती है, तो आपको बता दूं कि मुक्त अवस्था में, उसके साथ साथ में संयुक्त अवस्था में,
में, यानी कि फ्री एंड कंपोजिट फॉर्म दोनों ही फॉर्म में आपको प्राप्त होगी। अगर आप बात करते हो कंपोजिट फॉर्म में, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के सल्फेट्स के या सल्फाइड्स के फॉर्म में आपको बेसिकली देखने को मिल जाएगी आपकी सल्फर नॉन मेटल यानी कि धातु। देन अगर आप बोलोगे कि कहां से निकलती है, तो आपका जो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, उसमें निकलती है गैस जिसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। तो उस हाइड्रोजन सल्फाइड में से भी आपकी सल्फर निकलती है आपकी कंपोजिट स्टेट में। एंड नॉर्मली अगर आप ऑर्गेनिक चीजों की बात करोगे तो ऊन ले आइए, आप प्याज ले आइए, लहसुन ले आइए, आप सरसों ले आइए, आप अंडा ले आइए, इवन आप प्रोटीन ले आइए, तो उसमें भी आपको सल्फर देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। देन अगर आप बात करोगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसी लगती है, देखने में क्या होता है, तो आप बोलोगे इसका एक विशेष प्रकार का आपका दंध होती है एंड स्वाद होता है। देखने में ये येलो रंग की होती है, येलो कलर की होती है, पीले रंग की होती है। इसके साथ साथ में ये आपकी फ्रेगाइल होती है यानी कि आपकी ठोस होती है, सॉलिड फ्रेगाइल, या बोलोगे आपकी ठोस भंगुर होती है कि आप जरा सा इसको टच करोगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी टूट जाएगी। देन नॉन कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि विद्युत की ये कुचालक होती है, लेकिन ये दुर्बल चालक होती है किसकी, हीट की, ऊष्मा की, या बोलोगे वीक कंडक्टर ऑफ आपकी हीट होता है। देन अगर आप देखोगे कि ये पानी में क्या होती है, सॉल्युबल नहीं होती, यानी कि वाटर सॉल्युबल नहीं होती। वेयर एज अगर आप नाइट्रोजन की बात करोगे तो वो जल में क्या थी, घुलनशील थी, विलेय थी। ये आपकी जल में घुलनशील नहीं होती, लेकिन ये तारपीन के तेल में यानी कि तारपीन ऑयल में क्या होती है, घुलनशील होती है। साथ ही साथ में अगर आप बात करोगे कि जो लोअर श्रेणी के या बोलेंगे लोअर कैटेगरी के जो जीव होते हैं प्रकृति में पाए जाते हैं, अगर सल्फर के बोलेंगे संपर्क में, उनके कॉन्टेक्ट में आते, तो उनके ऊपर ये पॉइजनस इफेक्ट यानी कि विषैला प्रभाव छोड़ करके जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे इसके यूजेस की कि क्या क्या होते हैं इसके यूज, तो आप बोलोगे कि बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रोडक्शन में, जो कि अच्छी तरीके से आप बोलोगे कि SO2 अपने आप में एक रेफ्रिजरेशन का काम करती है, प्रशीतक का काम करती है, तो SO2 के यूज में हम लोग इसका यूज करते हैं सल्फर का। देन बैक्टीरिया को मारना हो, जर्म्स को यानी कि कीटाणुओं को मारना हो, इवन फंगीसाइड के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं किसका, आपके सल्फर का। साथ ही साथ में आप बोलोगे कि रबड़ का जो वल्कनाइजेशन होता है उसमें भी यूज करते हैं हम लोग किसका, आपके सल्फर का। एंड इसके साथ में हर एक नॉन मेटल या हर एक एलिमेंट की तरह इसके अंदर भी क्वालिटी होती है ब्लीचिंग की, कि अभी आप लोग आगे भी नॉन मेटल्स पढ़ने वाले हो, तो इसमें विरंजन का यानी कि कलर्स को डिसकलरेशन का भी क्या होता है, गुण होता है सल्फर में। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो सल्फर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो इसका भी क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अगेन हम लोग ट्राई करेंगे दूसरी नॉन मेटल के साथ में जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। तो इसका देन पढ़ लेते हैं फास्फोरस के बारे में। तो फास्फोरस को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपका 15 होता है, आपको याद रखना है। देन फास्फोरस इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि इसकी वजह से ये फ्री स्टेट में देखने को नहीं मिलता। अगर आप बात करेंगे कि फास्फोरस का सबसे ज्यादा मेन ओर कौन सा है, मुख्य अयस्क कौन सा है, तो ये आपका फास्फोराइट है, जिसका अणुसूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। फिर से देख लीजिएगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस क्या है, आपका फास्फोराइट का अणुसूत्र है या केमिकल फॉर्मूला है। तो ये आपका मेजर ओर होता है या मुख्य अयस्क होता है किसका, फास्फोरस का। देन अगर आप लोग बात करोगे फास्फोरस की, तो फास्फोरस में आपको बता दूं कि इसके तीन अपरूप होते हैं, तीन एलोट्रोप होते हैं। एंड इन तीनों एलोट्रोप में आप बोलोगे कि एक होता है आपका सफेद या पीला एलोट्रोप, एक होता है आपका लाल एलोट्रोप या लाल फास्फोरस होता है, एक पीला और सफेद फास्फोरस होता है, और एक होता है काला फास्फोरस। तो अभी क्या है, हम लोग पहले बात करेंगे सफेद या पीले फास्फोरस की। तो पीले या सफेद फास्फोरस को हम लोग P4 से, इसका अणुसूत्र होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला P4 होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज, बनाया कैसे जाता है, तो आप लोग क्या करोगे, अगर फास्फेट के चट्टानों को हम लेते हैं एंड इसको हम लोग सिलिका के और कोक के साथ में 1770 डिग्री केल्विन पे हम लोग क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। फिर से याद रखना है, फास्फेट की चट्टानों को सिलिका एंड इसके साथ साथ में आप कोक के साथ में 1770 केल्विन पे आप क्या करोगे, गर्म करोगे, तो आपकी क्या बनती है, आपकी सफेद या पीला फास्फोरस आपको प्राप्त होता है। और ये बनाना किसमें, गर्म करना है आपको विद्युत भट्टी में, जो आपकी इलेक्ट्रिक भट्टी होती है, विद्युत भट्टी होती है, उसमें आपको इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब आपको फास्फोरस प्राप्त होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इसमें कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। पहली चीज ये, इसमें एक लहसुन जैसी गंध आती है। आप देखोगे कि आपका जो फास्फोरस होता है, आप बोलोगे सफेद या पीला फास्फोरस होता है, P4 से इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग फास्फेट बोलेंगे, फास्फेट की चट्टानों को सिलिका एंड कोक के साथ में 1770 केल्विन में हम लोग विद्युत भट्टी में गर्म करते हैं, तो हमें फास्फेट प्राप्त होता है पीला या सफेद। इसमें से लहसुन जैसी गंध आती है, जल में ये अविलय होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में, किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में ये क्या होता है, डिजोल्व होता है, विलय होता है, ठीक। Then मोम की तरह एकदम नरम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो कि ये कैसा होता है, लहसुन की गंध आती है, मोम की तरह ये नरम होता है, इसके साथ साथ में ये पॉइजनस भी होता है, विषैला भी होता है। पहली चीज आपने देखी कि नॉर्मल अगर आप फास्फोरस की बात करोगे तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, एंड इसी का जो आपका मेजर या बोलोगे सबसे ज्यादा मेन ओर है अयस्क है, वो आपका फास्फोराइट है। देन अगर हम सफेद या पीले एलोट्रोप की बात करते हैं फास्फोरस के, या पीले या सफेद फास्फोरस की बात करते हैं, P4 से इसको प्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका विषैला भी होता है। कैसा होता है, विषैला होता है। देन
इसका अगर हम लोग संपर्क, ये जो आपका P4 होता है, अगर ये नॉर्मल ह्यूमन के संपर्क में आ जाए तो उसको एक डिजीज हो जाती है, इसको आप लोग बोलते हो फॉसजो. क्या बोलते हो? फॉसजो या फॉसिजो भी यहाँ पे लिखा हुआ, एक प्रकार की बीमारी होती है जो हो जाती है इंसानों को. देन अंधेरे कमरे में अगर इसको रखेंगे तो ये क्या होता है, ये आपका स्फुरदीप्ति या बोलोगे बोलेंगे चमकता है, ये प्रकाश इसमें से उत्पन्न होता है फास्फोरस में से, लाल या सफेद या पीले फास्फोरस में से, तो अंधेरे में ये चमकता है. देन अगर आप देखोगे क्या कि वायु के संपर्क में अगर हम लोग नॉर्मली रखेंगे, रिएक्टिव तो बहुत ज्यादा होता है, तो वायु के अगर जरा से भी कांटेक्ट में आता है फास्फोरस या पीला या सफेद फास्फोरस आता है वायु के कांटेक्ट में, तो होता क्या है कि ये मंद ज्वलन के साथ में, मंद दहन के साथ में क्या होता है, जलने लगता है. ये सब बहुत ज्यादा माइनर सी बोलेंगे लाइट सी फ्लेम निकलती है, उसके साथ में क्या होता है, बर्न होता है. लेकिन अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये तीव्र ज्वाला के साथ क्या होने लगता है, जलने लगता है वायु में. तो अगर आप इसको गर्म करोगे तो ये तीव्र या तेज ज्वाला के साथ में क्या होगा, जलने लगेगा. देन आप बोलोगे कि अगर हम लोग तेज ज्वाला में जलने लगता है वायु के संपर्क में, मंद गति में जलते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में डुबा के रखते हैं. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फास्फोरस को हम लोग क्या करते हैं, पानी में डुबा करके रखते हैं. एंड अगर आप इसके उपयोगों की बात करोगे, इसके यूजेस की बात करोगे, तो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, सॉरी प्रबल आपका अपचायक होता है. एंड इसका आतिशबाजी में हम लोग चूहा मार दवाई बनाने में, रेड किलर में भी इसका हम लोग यूज करते हैं. साथ ही साथ में आप बोलोगे कि जो आपके अग्नि बम होते हैं, उन अग्नि बम्स को बनाने में भी इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं. अगर हम इसी सफेद या बोलेंगे व्हाइट या येलो फास्फोरस को या P4 को अगर हम लोग क्या करते हैं, कास्टिक सोडा के साथ में, NaOH के साथ में अगर हम इसको गर्म करते हैं तो फास्फीन बनती है. तो आपको फास्फीन याद रखना है, फास्फीन बनता है आपका. एंड ये आपको क्या था, कुछ मेजर चीजें थी किसके बारे में, सफेद या पीले फास्फोरस के बारे में. अभी आपने लाल फास्फोरस के बारे में, काला फास्फोरस, इनके बारे में पढ़ना है. ये भी एलोट्रोप है, अप्रूव है किसके, फास्फोरस के. एंड ओवरऑल इनका जो यूजेस होता है उसको भी देखना है. तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ. एंड उन दोनों के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. तो उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से ले लीजिए. पढ़ लेते हैं हम लोग आपके रेड फास्फोरस को भी और उसके साथ साथ में आपके ब्लैक फास्फोरस को भी. तो लाल फास्फोरस की अगर मैं बात करूंगी तो इसको हम लोग P2 से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जिसका अणुसूत्र होता है, वो P2 होता है. आपका व्हाइट एंड येलो जो फास्फोरस था उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला P4 था, आपको याद रखना है पहली चीज. दूसरी चीज, बनता कैसे है? तो अगर हम लोग सफेद फास्फोरस को ले लेंगे, या आप लोग बोलोगे कि सफेद या पीले फास्फोरस को हमने लिया है, इसको साथ में उसको रखना है किसी अक्रियाशील वातावरण में, यानी कि नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर में रखना है. तापमान हमें करीबन लेना है 525 डिग्री केल्विन. इतना केल्विन या इतने तापमान पर आप लोग को क्या प्राप्त होता है, आपको रेड फास्फोरस प्राप्त होता है, पहली चीज ये. दूसरी चीज ये कि उसमें से लहसुन की गंध आती थी, तो ये क्या होता है आपका, ये एक लाल रंग का गंधहीन ठोस है, यानी कि ये सॉलिड होता है, इसमें स्मेल नहीं होती और ये रेड कलर का होता है. इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, पहली चीज. दूसरी चीज, ये पॉइजनस नहीं होता, वेयर एज आपका जो आपने व्हाइट एंड येलो फास्फोरस पड़ा था वो पॉइजनस भी होता है. फिर इसका बोलेंगे कि उसमें हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा के साथ में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में उसने फास्फीन बनाया था, लेकिन ये फास्फीन क्या बोलेंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, कास्टिक सोडा के साथ में कोई रिएक्शन करता ही नहीं है आपका व्हाइट रेड फास्फोरस. देन माचिस उद्योग में हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं. तो आपको इसको क्या करना है, इसको याद रखना है. ये तो हो गई बात लाल फास्फोरस की. अगर बात करते हैं हम लोग ब्लैक फास्फोरस की, काले फास्फोरस की, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर हम लोग को लेना है, यानी कि जैसे अभी आप लोगों ने सब में बात करी कि अक्रियाशील वातावरण लेना है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, अक्रियाशील वातावरण लेंगे. टेम्परेचर की जगह पे आप बोलोगे कि 473 केल्विन टेम्परेचर आपको चाहिए, प्रेशर चाहिए बहुत ज्यादा हाई. तो अब हाई प्रेशर में, नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर में एंड 473 केल्विन टेम्परेचर में आप क्या करोगे, बनाओगे आप ब्लैक फास्फोरस, पहली चीज. अब इतने सारे फास्फोरस के अप्रूव बने थे, तो आपका जो ब्लैक फास्फोरस होता है इसका, ये बोलोगे ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी आपकी बहुत ज्यादा लेस होती है, बहुत कम क्रियाशील होता है आपका काला फास्फोरस. देन अगर आप लोग देखोगे कि ओवरऑल फास्फोरस के हम लोग क्या यूज बना सकते हैं, तो हम लोग बहुत सारी जो आपकी बलवर्धक जो दवाइयां होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, जो आपको बेसिकली आपको स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करती हैं, उनमें हम लोग इसका यूज करते हैं. साथ ही साथ में सुपर फास्फेट जो बनाते हैं, जो कि आपका फर्टिलाइजर है, उसके निर्माण में हम लोग फास्फोरस का यूज करते हैं. इसके साथ साथ में कि पेड़ पौधे जो होते हैं, अगर फास्फोरस प्रेजेंट नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते. एंड मान लीजिए अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे कर भी लेते हैं, तो उनके करने से जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां पीली हो जाती हैं. तो फास्फोरस का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, NPK मिलाते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटाश मिलाते हैं, जिसमें आपकी बेसिकली आपके मेजर बोलेंगे आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो जरूरी होते हैं आपकी किसी भी पेड़ को, प्लांट को आगे बढ़ाने के लिए. तो ये था क्या आपका फास्फोरस के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन.
देन जो बचे हुए आपके नॉन आपके बोलेंगे जो बेसिकली आपके जो नॉन मेटल्स हैं धातुएं हैं अधातुएं हैं उनको भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर। एंड हाँ, पढ़ते रहिए, लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही होगा लेकिन जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उस थोड़े से छोटे से लेक्चर को अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिए, उसको दो चार बार रिवाइज जरूर करिए, रिपीट जरूर करिए। एंड पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ते रहिए, क्योंकि रिविजन नहीं करूंगी तो मैं भी भूल जाऊंगी, तो रिविजन आपने करना है। एंड ज्यादा ज्यादा पढ़ना है तो पढ़ते रहिए। एंड फिर से चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलेंगे आपसे अपने।